Like a bell cut. तो हेलो गाइस, मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गेमर नितेश। तो आज हम खेले माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज। तो पिछली वीडियो में मुझे मिले थे डायमंड्स, तो मैंने डायमंड से बनाई थी पिकैक्स और आज मैं उस पिकैक्स से निकालूंगा ऑब्सीडियन और ऑब्सीडियन से बनाऊंगा नेदर पोर्टल और एन्चेंटमेंट टेबल। तो मैंने ऑब्सीडियन बना लिया है नीचे माइन में, वहाँ पे लावा था तो मैंने उसके ऊपर बकेट से पानी डाला तो वहाँ पे ऑब्सीडियन मिल गया मुझे, काफ़ी सारा ऑब्सीडियन है। हमें तो सिर्फ 14 ही ऑब्सीडियन चाहिए क्योंकि हमें 10 नेदर पोर्टल के लिए लगेगा और 4 हमें लगेगा एन्चेंटमेंट टेबल के लिए। तो मैं टॉर्चेस भी लूँगा माइन में, तो मैं टॉर्चेस भूल गया हूँ, तो मैं टॉर्चेस लेने चलता हूँ वापस। और मैंने अपनी मंजिल को भी एक्सपेंड कर दिया है, एक और मंजिल ऊपर भी कर दिया है जहाँ पर मैं अपना एन्चेंटमेंट टेबल रखूँगा। और मैं अपना डोर भी बदल लूँगा, डोर मैं उस साइड लगाऊँगा अब, और इस साइड जिस साइड मेरा डोर खुलता है उस साइड करूँगा मैं फार्मिंग शुगर केन की, क्योंकि मुझे अब बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी, पेपर्स की, क्योंकि अब मुझे एन्चेंटमेंट करना होगा और बुक शेल्फ भी बनाने होंगे काफ़ी सारे। और एक एन्चेंटमेंट टेबल के लिए लगते हैं 15 बुक शेल्फ, तो उसके लिए तो 45 बुक्स लगेंगी और उसके लिए काफ़ी सारा पेपर लगेगा। लेदर की तो मेरे पास कमी नहीं है क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारी काउज है। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे मैंने ऑब्सीडियन बनाया था तो मैं देख लेता हूँ मैंने कहाँ जैसे ऑब्सीडियन बनाया था। तो यहाँ तो मैंने ऑब्सीडियन नहीं बनाया था, मैंने दूसरी साइड बनाया था ऑब्सीडियन, वहाँ पे लावा था तो मैंने बकेट से पानी डाला था यहाँ से निकाल कर। तो मैं चलता हूँ नीचे जहाँ पर मैंने अपना ऑब्सीडियन बनाया है। तो आज तो मैं नेदर पोर्टल बनाऊँगा और अगली वीडियो में मैं फार्मिंग करूँगा, स्पॉनर बनाऊँगा और मुझे शुगर केन की फार्मिंग करनी है और नेदर पोर्टल में भी जाना है। तो अभी तो मैं पहले ढूंढ लेता हूँ मैंने कहाँ जैसे बनाया था वो ऑब्सीडियन। तो मैंने बनाया तो यहीं जैसे था ऑब्सीडियन, तो मैं देख लेता हूँ जल्दी से। हाँ, यहाँ पे तो आयरन है, इसे मैं बाद में निकालूंगा, और कोल भी है। तो पहले तो मैं ढूँढ लेता हूँ, यहाँ पर मशरूम भी है जो मेरे पोशन बनाने के काम में आएंगे, तो अभी तो छोड़ो, और फ्रेगमेंटेड आई के काम में भी आएंगे, तो अभी तो मुझे ये नहीं चाहिए, जब ज़रूरत होगी तब ले लूँगा। और यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हमने ऑब्सीडियन बनाया था, तो मैं खोदना शुरू करता हूँ, मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा। तो मैंने निकाल लिया है 14 ब्लॉक ऑब्सीडियन के, तो इतने तो इनफ हो गए क्योंकि मुझे पोर्टल 10 से ही बनाना है, वैसे 14 से भी बनता है, पर हम चारों कोनों में अगर कोबलस्टोन लगाए तो हमारे 4 ऑब्सीडियन बच जाएंगे और उन 4 ऑब्सीडियन से हम बनाएंगे एन्चेंटमेंट टेबल। तो मैंने यहाँ पे सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, मैं पहले भी यहाँ आया था यहाँ पे ऑब्सीडियन बनाने। तो अब मैं चलता हूँ वापस, तो मैं चलता हूँ जल्दी से ऊपर, और मेरी वीडियो यहाँ पे करप्ट हो गई थी तो मैं डायरेक्ट आपको ऊपर का शॉट ही बताऊँगा क्योंकि मेरी वीडियो करप्ट हो गई थी। तो मैं चलता हूँ, तो मैं आ गया हूँ ऊपर, तो यहाँ पे मैंने बना लिया है नेदर पोर्टल, तो मैं इसे कंप्लीट कर लेता हूँ। मैंने बीच की वीडियो को इसलिए कट किया क्योंकि वो वीडियो मेरी करप्ट हो गई थी, तो बीच की वीडियो में कुछ नहीं था, बस मैं ऊपर आया था और मैंने ये पोर्टल बनाया था। तो अब मैंने पोर्टल बना लिया है, तो अब यहाँ पे एक कॉबलस्टोन, यहाँ पे एक कॉबलस्टोन और बीच में 2 ऑब्सीडियन लगेंगे और हमारा पोर्टल कंप्लीट। तो हमारा पोर्टल कंप्लीट हो चुका है, तो अब मैं चलूँगा नीचे। तो अब मेरा पोर्टल तो कंप्लीट है, बस अब इसे इग्नाइट करना है,
और इसे इग्नाइट करने के लिए लगता है फ्लिंट एंड स्टील। तो फ्लिंट एंड स्टील बनता है फ्लिंट और आयरन से, जिसे आप क्राफ्टिंग टेबल से बना सकते हैं। तो मैंने इसे कर लिया है इग्नाइट और अब ये तैयार है मेरा पोर्टल। पर अभी मैं इस पोर्टल में नहीं जाऊंगा, मैं पोर्टल में बाद में जाऊंगा। तो अभी तो अब मैं बनाऊंगा एन्चेंटमेंट टेबल, और एन्चेंटमेंट टेबल बनाने के लिए लगती है एक बुक, दो डायमंड्स और चार ऑब्सीडियन। तो हमारे पास डायमंड तो है, तीन डायमंड है, और हमें बुक लगेगी। तो बुक के लिए हमारे पास लेदर तो है, पर पेपर बनाने के लिए हमें लगेगा शुगर केन। तो यहाँ पे मेरे को शुगर केन मिला है, तो इसे मैं तोड़ लेता हूँ। मैं ऊपर से इसे तोड़ूंगा क्योंकि मुझे और भी शुगर केन चाहिए अभी, क्योंकि मुझे अभी शुगर केन की फार्मिंग करनी है। तो मैं इसे पूरा नहीं तोड़ूंगा। तो मुझे चार शुगर केन मिला है, इससे तीन पेपर बन जाएंगे, यानी कि एक बुक तो आराम से बन जाएगी। और मुझे एन्चेंटमेंट टेबल को बनाने के लिए एक ही बुक लगेगी। तो मैं चलता हूँ डायरेक्ट अंदर, और अंदर मेरा क्राफ्टिंग टेबल है। तो मेरे जानवर भी बहुत हो चुके हैं, अब मैं ये अपनी काउस को भी थोड़ा थोड़ा मारना शुरू करूँगा और उनके बीच ब्रीडिंग भी कराता रहूँगा ताकि मुझे लेदर मिलता रहे। वैसे मेरे पास है थोड़ा सा लेदर, ये देखिए पांच लेदर तो है। तो एक लेदर से एक बुक बन जाती है, पर पेपर तीन लगते हैं, तो एक बुक हमें मिल चुकी है। तो अब हमारे पास सारे सामान हैं, तो मैं डायमंड्स भी ले लेता हूँ। और अब मैं बनाता हूँ अपना एन्चेंटमेंट टेबल, ये देखिए, और मैं बनाता हूँ इसे, और यह हमारा एन्चेंटमेंट टेबल बन चुका है। तो अब मैं चलूँगा डायरेक्ट ऊपर, और ये देखिए यहाँ पे मैंने अभी कंप्लीट ही किया है जस्ट। तो यहाँ पे हमें मुझे टॉर्चेस लगानी पड़ेंगी क्योंकि काफ़ी अंधेरा है यहाँ पे। अगर कोई मॉब स्पॉन हो गया तो पंगा हो जाएगा, क्योंकि अगर क्रीपर स्पॉन हो गया तो भाई उड़ गया ये वाला एरिया। जितने भी माइनक्राफ्ट प्लेयर हैं वे सिर्फ एक ही ज़्यादातर मॉब को हेट करते हैं, और वो है क्रीपर, क्योंकि क्रीपर बहुत बुरी चीज़ है। वो सारे एरिया को उड़ा देता है, काफ़ी सारे एरिया को उड़ा देता है, और अगर बिजली के समय अगर वो बाहर निकले तो वो चार्ज हो जाता है और वो एक्स्ट्रा डैमेज देता है। मतलब उसका नॉकबैक भी ज़्यादा होता है और वो ज़्यादा एरिया को तबाह करता है अगर थंडर स्टॉर्म हो बाहर। तो अभी तो इसे छोड़ो। तो मैंने यहाँ पे तो टॉर्चेस लगा ली है, तो यहाँ पे एक का स्पेस छोड़ूंगा मैं, और यहाँ जैसे लगेगा मेरा एन्चेंटमेंट टेबल यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा एन्चेंटमेंट टेबल, क्योंकि हमें बुक शेल्फ और एन्चेंटमेंट टेबल के बीच एक का स्पेस छोड़ना पड़ता है, तभी एन्चेंटमेंट टेबल हमारा पावरफुल बनता है। तो एक के स्पेस में मैं लगाऊंगा अपनी बुक शेल्फ्स। तो अभी तो मेरे पास बुक शेल्फ नहीं है, और यहाँ पे ये देखिए हमें अनब्रेकिंग ही दे रहा है अभी, पर जब मैं बुक शेल्फ लगाऊंगा तो हमें ये अच्छी एन्चेंटमेंट देगा, जैसे फॉर्च्यून 3 भी दे सकता है, इसका तो अभी पता नहीं। तो अभी तो मेरे पास लैपिस नहीं है, जब लैपिस होगा तो मैं एन्चेंटमेंट भी शुरू कर दूंगा। तो हमारे पास काफ़ी सारे जानवर हैं, मैं थोड़े से मारना शुरू करता हूँ ताकि मुझे लेदर मिलना शुरू हो जाए। बाद में मैं ब्रीडिंग भी करा सकता हूँ इनके बीच, मुझे मेरे पास काफ़ी सारे काउज है, तो अगर मैं थोड़े से मार भी दूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और बस इतने ही मारूंगा मैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे इनके बीच ब्रीडिंग भी करानी है। तो मैं चलता हूँ ऊपर और बस इतने ही काउ मारूंगा, और मुझे इन काउ से 9 लेदर तो मिल चुका है। तो मैं चलूँगा अब अंदर, और इस लेदर को रख देता हूँ पहले मैं चेस्ट में। तो अब आती है शाउट आउट की बारी, और मैं शुरू करता हूँ शाउट आउट देना। गॉडज़िला बॉय जयदीप बोलते हैं, प्लीज़ प्लीज़ प्रमोट कर दो मेरे को। तो आप उनके चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं। पुरजीत गेमिंग बोलते हैं, बताओ भाई माइनक्राफ्ट का प्लस। तो उसके लिए आपको स्प्लिट कंट्रोल ऑन करना होगा सेटिंग से। बालवीर रिटर्न्स बोलते हैं, इविन लैंड ट्राई करो। ओके ब्रो। एस के पबजी मोबाइल लाइट बोलते हैं, वेरी 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 नाइस वीडियो, थैंक यू ब्रो। आर के गेमर बोलते हैं, फ़नी वीडियो, यस ब्रो ये तो फ़नी वीडियो ही थी। एस के रफ्तार बोलते हैं, नाइस वीडियो, थैंक यू ब्रो। अपना शाउट आउट पाने के लिए इस वीडियो में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।